राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की कमान पूरी तरह से सीएम भजनलाल शर्मा के हाथ में चली गई है। पार्टी के हर फैसले सीएम खुद ले रहे हैं। सरकार से जुड़े काम हो या फिर संगठन, हर फैसले में भजनलाल की मोहर लगती है। अब यह बड़ा सवाल ये है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर वसुंधरा राजे कैंप में कोई हलचल नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे की रणनीति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। यह आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा में अभी भी वसुंधरा राजे सबसे बड़ा स्वीकार्य चेहरा है। इसके बावजूद वसुंधरा राजे को तजव्वो नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने लगभग खुद को अलग कर लिया है। वसुंधरा राजे कैंप से कोई हलचल नहीं है। राजे सिर्फ अब ट्वीट करने तक ही सीमित रह गई हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को सही समय का इंतजार है। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे का दूर विरोधी कैंप हावी है, वही होता है जो सीएम भजनलाल करते हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा को राजस्थान में वसुंधरा राजे की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वसुंधरा राजे की अनदेखी की जा रही है, कम से कम उससे तो ऐसा ही लग रहा है। वसुंधरा राजे की परंपरागत सीट झालावाड़ 12 से भी इस बार उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे बेटे के संसदीय क्षेत्र में जरूर एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन इन नामों में वसुंधरा राजे के समर्थक शामिल नहीं हैं। टिकट दिलाने में सीएम भजनलाल शर्मा की चल रही है। वसुंधरा राजे कैंप को तजव्वो नहीं मिली है। प्रदेश में अभी 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषणा करना बाकी है। चर्चा है कि पार्टी इन 10 सीटों में नए उम्मीदवारों को टिकट देगी। ऐसे में ये तय माना जा रहा है वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट कर सकते हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोरा वसुंधरा राजे समर्थक माने जाते हैं, लेकिन उनका टिकट भी खतरे में दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया वसुंधरा राजे के विरोधी धड़े के तौर पर जाने जाते हैं। हाल ही में वसुंधरा राजे समर्थक जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है। वसुंधरा राजे के विरोधी कैंप ने सीएम फेस का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वसुंधरा राजे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी, क्या वसुंधरा राजे की अब वाकई में भाजपा को राजस्थान में जरूरत है या नहीं। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।